आज की वीडियो एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन होने वाली है मूवी एक्स की, जो मार्च 2022 में रिलीज हुई थी। इसके दो पार्ट्स हैं और इस मूवी का सेकंड पार्ट पर्ल सितंबर में रिलीज हुई है, जो कि एक प्रीक्वल है। मैंने कम्युनिटी पर ये ऑलरेडी पोस्ट कर दिया है, तो आप वहां जाइए और वोट कीजिए कि आपको पर्ल मूवी की भी एक्सप्लेनेशन चाहिए या नहीं। अगर 100 वोट्स आ जाते हैं तो मैं जल्द से जल्द पर्ल मूवी को भी एक्सप्लेन कर दूंगा, पर तब तक हम एक्स मूवी पर थोड़ा नजर डाल लेते हैं। तो मूवी की शुरुआत होती है 1979 टेक्सास के ग्रामीण इलाके से, जहां सेरिफ डेंटलर एक घर में जाते हैं जहां चारों तरफ खून ही खून था। घर के सामने एक लाश पड़ी हुई थी और सामने के बरामदे में भी पूरा खून बिखरा हुआ था। टीवी पर एक प्रोग्राम चल रहा था जहां एक फादरी सभी से कह रहे थे कि उसकी बेटी को नशे की लत लग गई और कुछ लोगों के संगत ने उसे बिगाड़ दिया। डेंटलर जैसे ही घर के अंदर आता है, डिप्यूटी उसे कुछ भयानक दिखाने के लिए बेसमेंट में बुलाता है और डेंटलर उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। पर डेंटलर ने जो देखा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब इस घटना के एक दिन पहले मैक्सिन एक अडल्ट मूवी को शूट करने के लिए तैयार हो रही है, जिसका टाइटल है दी फार्मर्स डॉटर, और इस मूवी का एक्सक्लूसिव प्रोड्यूसर उसका बॉयफ्रेंड वेन है, और बाकी के क्रू मेंबर्स हैं आरजे, जो इस मूवी का राइटर और डायरेक्टर है, और उसकी गर्लफ्रेंड लोरेन, जो की एक साउंड ऑपरेटर है, और इस मूवी के एक्टर्स जो की एक कपल भी है वो है बॉबी और जैक्सन। फिर वो सभी उस फार्म हाउस में पहुंच जाते हैं जहां वो इस मूवी की शूटिंग करने वाले थे। वेन वहां के बुजुर्ग मालिक हॉवर्ड से बात करने जाता है, जो अचानक से उस पर अपनी राइफल तान देता है। वेन उन्हें याद दिलाता है कि उस रात उनकी बात हुई थी इस जगह को कुछ दिन रेंट पर देने के लिए, पर जब हॉवर्ड बाकी लोगों को देखता है तो वो वेन से कहता है कि उसे उन पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, क्योंकि वेन ने हॉवर्ड से यहाँ अकेले रहने की बात की थी और वेन ने हॉवर्ड को ये भी नहीं बताया था कि वो यहाँ क्या करने आए हैं। वेन हॉवर्ड को थोड़े ज्यादा पैसे दे देता है, जिससे कि हॉवर्ड मान जाता है और उन्हें रहने की परमिशन दे देता है। जब मैक्सिन गाड़ी से बाहर निकलती है तो वो ऊपर खिड़की पर हॉवर्ड की वाइफ पर्ल को नोटिस करती है, जो उसे अजीब तरह से घूर रही थी। फिर वो सभी अपनी शूटिंग स्टार्ट कर देते हैं और मैक्सिन वहां से तालाब में तैरने के लिए आ जाती है, जहां एक बड़ा सा एलिगेटर भी था, और इससे पहले कि वो एलिगेटर मैक्सिन पर अटैक कर पाता वो तालाब से बाहर निकल आती है। वापस लौटते समय पर्ल मैक्सिन को इशारे करके अपने घर बुलाती है और अपनी फोटोज दिखाती है, और जवानी में वो एग्जैक्टली मैक्सिन की तरह ही दिखती थी। पर्ल मैक्सिन से ये भी कहती है कि वो एक डांसर थी और वो और हॉवर्ड काफी समय से इंटीमेट नहीं हुए हैं, क्योंकि वो दोनों अब बूढ़े हो गए हैं। तभी वहां हॉवर्ड आ जाता है तो पर्ल मैक्सिन को पीछे वाले गेट से जाने को कहती है। उसके बाद पूरा क्रू फार्म हाउस में इकट्ठा होते हैं, जहाँ पहले सीन में जैक्सन और बॉबी घर पर करते हैं। दी फार्मर डॉटर की स्टोरी ये थी कि जैक्सन की कार खराब हो जाती है और वो हेल्प के लिए बॉबी के पास आया था, जो एक फार्मर की बेटी है, और सीन के मुताबिक बाद में वो बॉबी की छोटी बहन से मिलता है, जिसका रोल मैक्सिन प्ले कर रही थी, और वो उसके साथ भी करने लगता है। और ये सब पर्ल बाहर खड़ी होकर देख रही थी और मैक्सिन की जगह खुद को इमेजिन कर रही थी। पर्ल अपने घर आ जाती है और हॉवर्ड को उसके साथ करने के लिए कहती है, पर वो उसे मना कर देता है और कहता है कि अब उसका दिल ये सहन नहीं कर पाएगा। उसी रात वो सभी अपने पहले शूट के बाद बैठकर बात कर रहे थे, तभी लॉरेन आरजे से कहती है कि उसे भी इस मूवी का पार्ट बनना है। लॉरेन एक सीधी साधी लड़की थी जो हर संडे चर्च भी जाती थी। वो सभी से कहती है कि अगर वो एक अच्छी सी एडल्ट मूवी बना रहे हैं तो उसे बस माइक पकड़कर खड़े नहीं रहना, पर आरजे उसे मना कर देता है क्योंकि वो ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसकी गर्लफ्रेंड ऐसी किसी मूवी पर काम करे। लेकिन वेन उसे अलाउ कर देता है क्योंकि उसने इसमें पैसे लगाए थे और बाकियों को भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो आरजे को ना चाहते हुए भी ये शूट करना पड़ता है। फिर वो शूट के बाद अपने अपने कमरे में सो जाते हैं और आरजे बाथरूम में जाकर रोने लगता है। आरजे इस बात को सहन नहीं कर पा रहा था कि लॉरेन, जो कि एक बहुत सीधी सादी लड़की है, ऐसा भी कुछ करने के लिए तैयार हो जाएगी। आरजे गुस्से में वैन की चाबियां ले लेता है और सभी को वहां छोड़कर जाने लगता है, पर वो तुरंत ही रुक जाता है क्योंकि सामने रोड पर पर्ल खड़ी हुई थी। आरजे उन्हें घर के अंदर ले जाने की कोशिश करने लगता है, पर पर्ल आरजे के करीब आ रही थी, और जब आरजे उसे मना करता है तो वो उसके गले में एक चाकू घुसा देती है, जिससे कि वो जमीन पर गिर जाता है। तो पर्ल उसके गले में बार बार चाकू से वार करके आरजे को मार डालती है। लॉरेन जब उठती है तो देखती है कि आरजे कमरे में नहीं था, तो वो उसे देखने बाहर आ जाती है और उसकी आवाज सुनकर वेन भी बाहर आ जाता है। फिर वो दोनों अलग अलग आरजे को ढूंढने चले जाते हैं। वेन उसे फार्म हाउस में देखने आ जाता है, जहां उसका एक पैर कील पर पड़ जाता है और पर्ल वहां आकर उसे एक पिच फॉर्क से मार डालती है। इसी दौरान लॉरेन बाहर आरजे को आवाज दे रही थी, तभी हॉवर्ड उसकी आवाज सुनकर बाहर निकल आता है और लॉरेन से पूछता है कि क्या उसने उसकी वाइफ पर्ल को कहीं देखा है, वो उसे कहीं मिल नहीं रही है। फिर वो घर के अंदर आ जाता है
और हॉवर्ड एक टॉर्च ले लेता है और लॉरेंस से कहता है कि बेसमेंट में एक और टॉर्च रखी है, तो क्या वो उसे लेकर आएगी। और लॉरेन जब बेसमेंट में जाती है तो हॉवर्ड उसे बाहर से लॉक कर देता है। लॉरेन वापस सीढ़ियों से नीचे आ जाती है और वो जब लाइट्स ऑन करती है तो वहां उसे एक नंगा आदमी टंगा हुआ दिखता है और यही वो लाश है जिसे डेंटलर देखकर डर गया था। उसके बाद हॉवर्ड जैक्सन को उठा देता है और पर्ल को ढूंढने में उसकी मदद मांगता है, तो वो दोनों तालाब की ओर चले जाते हैं। और जैक्सन के जाते ही मैक्सिन के कमरे में पर्ल आ जाती है और उसे अपने खून भरे हाथों से छूने लगती है। यहाँ जैक्सन को तालाब में एक कार पड़ी हुई दिखती है जो शायद उसी आदमी की होगी जो बेसमेंट में मरा पड़ा था। और जैक्सन जैसे ही पीछे मुड़ता है, हॉवर्ड उससे कहता है कि उसे सब पता है कि वो लोग यहाँ क्या करने आए हैं, और ये कहकर वो जैक्सन को अपनी शॉटगन से मार देता है। यहाँ मैक्सिन पर्ल को अपने बेड में लेटा देख चिल्लाने लगती है और उसकी आवाज सुनकर बॉबी वहां आ जाती है। इस तरफ बेसमेंट में लॉरेन वहां पड़े एक कुल्हाड़ी से दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करने लगती है और वो जैसे ही कुंडी की ओर अपना हाथ बढ़ाती है, हॉवर्ड उसके हाथ में हथौड़ा मारकर उसकी उंगलियां तोड़ देता है। इस तरफ बॉबी बाहर आ जाती है जहां वो देखती है कि पर्ल किनारे पर पूरी नेकेड खड़ी हुई थी, तो बॉबी पर्ल को अपना स्कार्फ दे देती है। और बॉबी जैसे ही पर्ल को घर ले जाने के लिए उसे छूती है, पर्ल उसे एक जोर का थप्पड़ मारती है और उसे कहकर पानी में गिरा देती है जहां उसे वो एलिगेटर खा जाता है। घर पर मैक्सिन अपनी बॉडी से खून साफ कर रही होती है, तभी वो खिड़की से देखती है कि पर्ल और हॉवर्ड उसकी ओर आ रहे थे और हॉवर्ड के हाथ में एक शॉटगन थी। वो जाकर बेड के नीचे छिप जाती है और पर्ल और हॉवर्ड उसी कमरे में आ जाते हैं, जिसके बाद पर्ल हॉवर्ड को उसके साथ करने के लिए इंसिस्ट करती है। हॉवर्ड को पता था कि उसका दिल ये झेल नहीं पाएगा, फिर भी वो पर्ल के लिए ये कर देता है। और मौका देखकर मैक्सिन वहां से भाग निकलती है। वो जब वैन के पास आती है तो देखती है कि टायर्स पंचर कर दिए गए थे और आरजे की लाश सामने पड़ी हुई थी। तभी उसे लॉरेन की चिल्लाने की आवाज आती है, तो मैक्सिन ग्लव कंपार्टमेंट से वेन की गन लेकर जल्दी से घर के अंदर आ जाती है और लॉरेन को शांत रहने को कहती है। पर बाहर निकलते ही लॉरेन मैक्सिन पर चिल्लाना शुरू कर देती है और कहती है कि ये सब उसी की गलती है। मैक्सिन लॉरेन से कहती है कि उन्हें हॉवर्ड की ट्रक की चाबी चाहिए, पर लॉरेन बहुत ज्यादा डरी हुई थी और वो बस यहाँ से जाना चाहती थी, जिसके बाद वो अकेले ही बाहर चली जाती है। और उसके बाहर निकलते ही हॉवर्ड उसे शूट कर देता है। हॉवर्ड और पर्ल उसकी लाश को उठाकर घर के अंदर आ रहे थे और हॉवर्ड कह रहा था कि उन्हें उन सभी की लाश को ठिकाने लगाना होगा और खून भी साफ करने होंगे। पर तभी अचानक हॉवर्ड को हार्ट अटैक आ जाता है। पर्ल उसके सामने बैठकर रोने लगती है और तभी मैक्सिन को लगता है कि यही सही मौका है और वो उनके सामने गन तानकर खड़ी हो जाती है और पर्ल से ट्रक की चाबी मांगने लगती है। पर्ल उसे बताती है कि चाबियां किचन में टेबल पर रखी है। और जब मैक्सिन चाबियां लेकर आती है तो पर्ल उससे कहने लगती है कि तुम्हारा भी अंत मेरे जैसा ही होगा। पर मैक्सिन पर्ल से कहती है कि वो एक स्टार बनेगी, लोग उसे जानेंगे। और ये कहकर जब मैक्सिन पर्ल को मारने के लिए अपनी ट्रिगर दबाती है, तब उसे पता चलता है कि उसकी गन खाली है। तभी पर्ल वो शॉटगन उठाती है और मैक्सिन पर शूट कर देती है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है और शॉटगन के झटके से वो पीछे की ओर गिर जाती है, जिससे कि पर्ल का कमर टूट जाता है। पर्ल मैक्सिन से मदद मांगने लगती है, पर वो उसकी मदद करने से मना कर देती है। मैक्सिन जब ट्रक में बैठती है तो पर्ल उसे कहकर बुलाती है, जिसके बाद मैक्सिन पर्ल के सर पर ट्रक चढ़ा देती है और वहां से चली जाती है। अगले दिन शेरिफ डेंटलर और दूसरे ऑफिसर्स वहां आ जाते हैं और टीवी पर उस पास्टर का वीडियो प्ले हो रहा था। और यहां हमें पता चलता है कि मैक्सिन ही उस पास्टर की बेटी है जिसे वो ढूंढ रहा है। डिप्यूटी को वो कैमरा मिल जाता है और वो जब डेंटलर से पूछता है कि उसे क्या लगता है कि इसमें क्या होगा, तो डेंटलर डिप्यूटी से कहता है कि उसे लगता है यहां जरूर कोई जबरदस्त हॉरर मूवी बनी है। और इसी के साथ मूवी यहीं खत्म हो जाती है। और अगर आपको जानना है कि एक्स मूवी का पर्ल के साथ क्या कनेक्शन है, तो आप अभी जाकर पर्ल मूवी का ट्रेलर देख लीजिए। आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्यों पर्ल मैक्सिन को लेकर इतना ऑब्सेस्ड थी और वो क्यों मैक्सिन से ये कह रही थी कि उसका भी अंत उसी के जैसा ही होगा।